लेट ओ बी द ओरिजिन एंड ए बी अ पॉइंट ऑन द कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू एट एक्स। फाइंड द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ ओ ए। देखो ओ ओरिजिन है तो ओ हो जाएगा 0,0 और ए कोई पॉइंट है ऑन द कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू एट एक्स। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एट एक्स पर कोई कर्व है, इस पर कोई पॉइंट है ए। तो चलो ए तो फाइंड करना क्या मिड पॉइंट ऑफ ओ ए। तो ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा एक्स कॉमा वाई, क्योंकि वाई स्क्वायर इक्वल टू एट एक्स है, एक्स कॉमा वाई होगा जो वाई स्क्वायर इक्वल टू एट एक्स को सेटिस्फाई कर रहा है। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एट एक्स को इक्वेशन वन मान लिए, ठीक है। अब लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ओ ए फाइंड करना है, तो मिड पॉइंट ऑफ ओ ए कुछ मान लो, ठीक है, जैसे कि जिसका लोकस फाइंड करना होता है उसको हम लोग एच कॉमा के मानते हैं। तो मिड पॉइंट ऑफ ओ ए जैसे हो जाएगा, वो हो जाएगा एच कॉमा के। तो एच कॉमा के हो जाएगा मिड पॉइंट ऑफ ओ ए। तो मिड पॉइंट अगर है किसका, किसका मिड पॉइंट है, ओ का और ए का। ओ ए का मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट क्या होता है, एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू। तो एच इक्वल टू हो जाएगा 0 + x/2 एंड के इक्वल टू हो जाएगा 0 + y/2। होगा इतना। तो यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा 2h और यहाँ से y इक्वल टू आ जाएगा 2k। अब ये जो x और y का वैल्यू है इसको इक्वेशन वन में रख देंगे। तो जब इक्वेशन वन में रखेंगे x और y का वैल्यू, तो y इक्वल टू 2k है ना, तो यहाँ हो जाएगा 2k का होल स्क्वायर इक्वल टू 8 × x, x मतलब 2h, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4k² = 16h। 4 से कट करेंगे तो k² = 4h हो जाएगा। और लास्ट में लोकस फाइंड करने के लिए h को x और k को y रखा जाता है, तो y² = आ जाएगा 4x। तो y² = 4x आ गया मिड पॉइंट का लोकस। ओके।